श्री सुंदराम वर्मा, समाज सेवा पर्यावरण। मैं सुंदराम वर्मा, गांव दाता, जिला सीकर, राजस्थान। मैं अपने घर से धवाइयों की कोठी से ही बोल रहा हूं। और पहले ठिकाने के समय, आज़ादी से पहले, ये कुआ ठाकुर साहब ने बनाया था, और इस हिसाब से बनाया था कि एक बड़े रास्ते पर था ये जगह, तो वहां पानी पीने के लिए आने जाने वालों के लिए बनाया था। और दाता के कोई धवाई थे, तो उनको कहा गया कि इस कुएं को आप चलाओ और पानी भी निकालो। तो वो चला नहीं पाए, तो फिर मेरे दादाजी यहाँ आए और उन्होंने ठाकुर साहब के आग्रह पर इस कुएं को चलाया और खेती भी की, और पानी की व्यवस्था निरंतर उन्होंने रखी। और उसके बाद में, आज़ादी के बाद में, ये खातेदारी में आ गया। तो यहीं हम रहे हैं। और पिताजी तीन भाई थे। पहला जो ताऊ जी थे, मेरे पिताजी थे, फिर चाचा जी थे। और चाचा जी अध्यापक थे, सबसे छोटे थे। और मैंने 1972 में बीएससी की, और बीएससी करने के बाद में मैंने यही खेती अपनाने का जो है वो सोच रखी। क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो चाचा जी खेती की किताबें मंगाते थे। वो अध्यापक थे लेकिन खेती में रुचि रखते थे। पूरा परिवार अग्रणी किसानों की श्रेणी में माना जाता था उस समय भी। तो मेरी एक रुचि हो गई उसमें। नई नई तकनीकें, नई नई शोध वो चल रही थी, और हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो जो भी चीज़ पढ़ने को मिलती वो एकदम नई आती थी। तो मेरी रुचि हो गई, और मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, खेती पैतृक धंधा था, तो दोनों को एक सामंजस्य करने की कोशिश करता था। तो इसलिए जब बीएससी किया तो उसमें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होते थे, और दो तीन बार मेरा चयन भी हुआ अध्यापक में, लेकिन मैंने कभी ज्वाइन ही नहीं किया। और मैंने खेती का धंधा शुरू किया। जब खेती का धंधा शुरू किया तो आप ये देखो कि 1972 में, बीएससी की बात छोड़ो, कोई 10वीं 11वीं भी पढ़ता था तो या तो राजनीति में आता था, या फिर कोई धंधा करता था, या नौकरी करता था। खेती वो आमतौर पे नहीं करता था, बहुत कम ऐसे चांसेस है। मैंने खेती चुना, और खेती में जो समस्याएं आती थी उनको मैं विभागीय स्तर पर और विश्वविद्यालय स्तर पर, अनुसंधान संस्थान के स्तर पर, क्योंकि मुझे काफ़ी जानकारी हो जाती थी पत्रिकाओं के माध्यम से। ICAR की पत्रिकाएं आती थी, कृषि विभाग की पत्रिकाएं आती थी, तो उससे जानकारी हो जाती थी कि कौन सी समस्या कहाँ उठानी है। तो इस तरह से 10 सालों में मैं एक तरह से अग्रणी किसानों में, युवा किसानों में, मैं श्रेणी में आ गया। मेरी जानकारी हर जगह हो गई। कृषि से संबंधित जितने भी विभाग होते हैं, या संस्थान या अनुसंधान संस्थान होते हैं, सब जगह हो गए। उसके बाद 1982 में मैं राजस्थान की ओर से यंग फार्मर ट्रेनिंग कोर्स में पूसा फार्म नई दिल्ली में गया, और वहाँ नई तकनीकी तो जानकारी मिलती थी। बहुत ही वरिष्ठ जो वैज्ञानिक होते थे वो हमारी क्लासें लेते थे, क्योंकि ये नेशनल लेवल का कार्यक्रम था। तो वहाँ ड्राई फार्मिंग टेक्नोलॉजी देखी। ड्राई फार्मिंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो बरसात का पानी होता है वो बरसात में अवशोषित होता है, उस नमी को संरक्षित करके ज़मीन में, और आगे रबी वाली फसल बोई जाती है। बरसात की फसल की कटाई के बाद में रबी की फसल बोई जाती है। तो होता हुआ क्या कि राजस्थान में तो जो बरसात इतनी होती है कि जो बरसात की फसलों वाली के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं होता, जबकि दूसरे राज्यों में बरसात भी ज़्यादा होती है, ज़मीन भी अच्छी है, ज़मीन में पानी की रोकने की क्षमता अच्छी है। तो वो जो ड्राई फार्मिंग टेक्नोलॉजी है उससे ज़मीन की तैयारी करके, और उसमें जुताई करके नमी रोक के, और उसमें वो रबी की फसल लेते थे, जो जिसमें गेहूँ है, चना है, सरसों है, जो है इस तरह की। तो राजस्थान में संभव नहीं था। तो हमने एक बार पौधे लगाए, पौधों के लिए पूरी व्यवस्था की पानी की, लेकिन पानी देते देते भी वो पौधे नहीं लगे।
तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं हम इस ड्राई फार्मिंग टेक्नोलॉजी से पौधे लगाएं, ताकि पानी भी नहीं देना पड़े और पौधे की जड़ें तो बहुत गहराई तक जा सकती है, जबकि फसलें उस ड्राई फार्मिंग टेक्नोलॉजी से होती है तो उसकी तो जड़ें बहुत छोटी होती है, तो पौधा मजबूत भी होता है, तो हो सकता है कि इस टेक्निक से वो पौधा लग जाए। तो फिर मैंने कुछ पौधे लगाने शुरू किए। पहले साल जब पौधे स्थानीय पौधे लगाए तो बहुत अच्छे चले। दूसरे साल मैंने सोचा कि सबसे ज़्यादा पानी पीने वाला पौधा यूकलिप्टस है, सफ़ेदा है, उस पर ट्राई करते हैं। तो सफ़ेदा का पौधा भी जब बहुत अच्छा पनप गया तो मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा तो कोई पानी चाहिए ही नहीं किसी पौधे को, तो बाकी सब पौधे हैं वो पनपेंगे। तो मैंने हर तरह के पौधे पर, चाहे वो चारे वाले हो, चाहे इमारती लकड़ी वाले हो, चाहे छायादार हो, चाहे सीमित मात्रा में जैसे बेर है, आंवला है, तो फलदार पौधे भी उसमें सम्मिलित थे, ऐसे पौधों पे 10 साल तक ये अलग अलग प्रयोग किए। पूरे खेत को एक प्रयोगशाला फार्म बना दिया। तो फिर एक व्यवस्थित ढंग से कि हमें किस तरह से जुताई करनी है, कब जुताई करनी है और किस तरह से हमें पौधे लगाने हैं, ये सारी बातें हमने 10 साल में अपने अनुभव से स्थापित कर ली। और एक नई तकनीकी जो है वो 1 लीटर पानी से पौधा पनपाने की जो विधि है उसको विकसित कर लिया था।